हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा, जो सबको बहुत ही पसंद आता है। इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे कैप्सिकम, ऑनियन, कॉर्न और टोमेटो। आप चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जी और ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम ब्रेड की स्लाइस लेंगे, जिसपे हमें पिज्ज़ा सॉस जो है स्प्रेड करना है। इसको हमें अच्छे से लगा लेना है, किसी भी नाइफ या स्पून की हेल्प से हमें इसको सारी ब्रेड पे फैला देना है। तो देखिए, पिज्ज़ा सॉस जो है अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अभी भी ब्रेड पे हमें जो भी हमने वेजिटेबल्स ली थी वो फैला देनी है। दोनों ब्रेड पे अच्छे से फैला देंगे। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑरेगेनो। अभी हम ऐड करेंगे चीज़ स्लाइस। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से और ऑरेगेनो ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। आप स्पाइसी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा को बेक करना है। इसके लिए मैंने लिया नॉन स्टिक पैन। इस पर हम ऐड करेंगे बटर। अभी फिर स्प्रेड करना है बटर को। अभी हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है उस पर ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए बेक करना है। तो देखिए, हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, चीज़ मेल्ट हो गया है। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है उसे भी हमें ऐसे ही कुक करना है, बेक करना है। तो देखिए गाइस, हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा है रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।